लाल ईंटों से कई ज्यादा मजबूत सीमेंट ईट कर्व स्टोन और पीवर ब्लॉक के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें सागर ब्रिक्स इंडस्ट्री बड़गांव भीला रोड खंडवा। भाई आपने एक चिट्ठी लिखी है, किसको लिखी है, क्या विषय है? अभी कुछ समय पहले 28/4 को नगर निगम के अंदर भूपेंद्र सिंह बिसेन और हाजी फरीद पार्षद के बीच में कुछ विवाद की स्थिति बता रहे हैं। उसमें किसी भी प्रकार की कोई जांच नहीं हुई है, डायरेक्ट उन पर केस बना दिया गया है। ये एक जांच का विषय है, इसलिए मैंने मानव आयोग को और केंद्र मानव आयोग को और राज्य मानव आयोग को और चिट्ठी लिखी है। उसके विषय में जांच करने की बात कही है। अगर ये जांच निष्पक्ष करते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसमें निष्पक्ष जाँच होगी या उनके खिलाफ द्वेषपूर्ण कार्रवाई की, ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं खुद जाकर नगर निगम में कर्मचारियों से बात की, उनका सीधा आरोप है कि हमको फरीद ने मारा है। क्योंकि कमिश्नर साहब का कहना भी यही पड़ता है कि सिर्फ गाल पे हाथ लगाया है, मारा नहीं था। इस नज़रिए से मेरा भी ऐसा हुआ कि इसमें निष्पक्ष जाँच कर हो जाए अगर, तो दूध का दूध पानी का पानी खुद ब खुद हो जाएगा। क्योंकि पुलिस किसी के दबाव में आके काम कर रही है या किसी के कहने में आके काम कर रही है, ये पुलिस जाने और वो जाने। तो किस तरह की जांच चाहते हो आप? जो विवाद हुआ ना, उसकी जांच की मांग कर रहा हूँ मैं। तो आपको क्या लगता है कि फरीद को जो फरीद जी ने हाथ उठाया था, मारा नहीं था, तो वो सही था? फरीद ने हाथ नहीं उठाया था क्योंकि फरीद भाई पूर्व में भी पार्षद रह चुके हैं और बिसेन साहब को यहाँ पर करीब करीब 20 साल हो चुके हैं। उनका दोस्ती यारी के हिसाब से शुरू से सभी अधिकारियों से बातचीत उनकी बहुत अच्छी थी। आज दिनांक तक के कभी भी उनसे किसी भी चीज़ का कोई बेर हुआ नहीं है। तो इस मामले में मैं बोल सकता हूँ कि 28/4 को भी कोई बेर नहीं हुआ होगा। हाँ, हो सकता है गुस्से में आके उन्होंने भी कुछ बोला होगा, उन्होंने भी कुछ बोला होगा। बाकी मारने का मैं बोल सकता हूँ तो मारा तो नहीं होगा उन्होंने, गाल पर हाथ लगाया होगा। दोस्ती यारी के हिसाब में गाल पर हाथ ऑलरेडी लगा लेता है इंसान एक दूसरे का, हम उम्र है। इसलिए नगर निगम के अधिकारी लोग थाने आए थे, तो उस समय फरीद मियां क्यों नहीं पहुंचे थे उस काउंटर करने के लिए? फरीद मियां उसके बाद में मैंने पता लगाया था तो वो शादी में जा चुके थे रतलाम। रतलाम से आने के बाद में उन्होंने खुद अपने आप को अरेस्ट दे दी। खुद अरेस्ट दिए जी। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम अय्यूब लाला, जिला कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष। चिट्ठी किसने लिखी? अय्यूब लाला, मैंने खुद ने। लाल ईंटों से कई ज्यादा मजबूत सीमेंट ईट कर्व स्टोन और पीवर ब्लॉक के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें सागर ब्रिक्स इंडस्ट्री बड़गांव भीला रोड खंडवा।